कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Prabhupada, Jai Panina, Jai Bo, Jai Bo, Jai Bo, Jai Bo. महाराज के माइक का इको बंद कर दीजिए पूरा, एक अगर कहीं गलती से है पीछे साउंड इंजीनियर को बोल दीजिए। इको तो है यार, इको टेस्ट किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको कुछ सुनाई दे रहा है कुछ? अरे कुछ मुझे लगता है वो इको है ना। आपको सुनाई दे रहा है? समझ आ रहा है? समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता। आपको सुनाई दे रहा है? समझ आ रहा है? ओम ज्ञान तिमिरदस्य ज्ञानंजन शक्य चक्षुर्विमुक्तानि येन। ओम ज्ञान तिमिरदस्य श्री चैतन्य मनोमयः शक्य सागरमेन मूलानि स्वयं रूपकरामय हम श्री गुरु श्री गुरु में श्री रूपम सनाई गुरु श्री राधा हे कृष्ण जय
तो महाराज कह रहे हैं कि एक चीज़ है कि हम पोजीशन चेंज करें उस तरफ तो आवाज़ के लिए. महाराज कह रहे हैं कि ठीक है, चीज़ है कि हम पोजीशन चेंज करें. कल वहाँ लोकनाथ महाराज ने वहाँ बैठ के क्लास दिया तो बेटर समझ आ रहा था. ठीक है, कल वहाँ लोकनाथ महाराज ने वहाँ क्लास दिया तो बेटर समझ आ रहा था. इधर करें या उधर करें. ओके, इधर करें या उधर करें. ओके, ठीक है. सो आज एकादशी है, एकादशी के दिन ठीक है हम क्या करते हैं. सो आज एकादशी है, एकादशी के दिन क्या करते हैं. एकादशी के दिन ठीक है हम क्या करते हैं. बड़ी नमस्ते पढ़ते हैं सब लीलामृत पढ़ते हैं. क्या करते हैं प्रभुजी की जीवन के विषय में हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं. इससे प्रभुजी द्वारा प्रभुजी के विषय में जीवन के ज्ञान प्राप्त लीलाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं. लीलामृत के द्वारा प्रभुपाद के जीवन के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और प्रभुपाद के जीवन से संबंधित लीलाओं के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हो. लीलामृत के द्वारा प्रभुपाद के जीवन के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और प्रभुपाद के जीवन संघर्ष किया के विषय में ज्ञान प्राप्त कृष्ण भक्ति को सब प्रभुपाद जी ने वो संदेश दिया जिसके द्वारा भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं. तो श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज ने पहली मुलाकात में लिखे हो ले जाओ चैतन्य महाप्रभु के आदेश को. श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज ने पहली मुलाकात में भक्ति सिद्धांत महाराज को पूर्ण विश्वास था कि जो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है वो पूर्ण सत्य निकलेगी. प्रयास किया और पहुंचे न्यूयॉर्क 1965 में. तो प्रभुपाद जी ने अथक प्रयास किया और वो पहुंचे न्यूयॉर्क में 1965 में. न्यूयॉर्क में पहुंचे और कैसे पहुंचे उनके एक परिचय के बेटा अमेरिका में रहता था. प्रभुपाद जी ने ऐसे एक दिन कहा अपने बेटे को बोलकर मुझे निमंत्रण में सहयोग. तो उस समय प्रभुपाद के एक जानकार थे जिनका पुत्र अमेरिका में रहता था. तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि वहाँ से मुझे निमंत्रण प्राप्त पत्र प्राप्त करने में सहायता करें. प्रभु जी को मिला अमेरिका पहुँचे और पहले शहर में गए बटर में प्रचार करने गए. तो प्रभुपाद जी को ऐसे वीज़ा मिला और प्रभुपाद जी अमेरिका पहुँचे और प्रभुपाद ने बटलर पेंसिल्वेनिया में प्रचार किया. और बटलर मशहूर था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वहाँ अमेरिकन सरकार के उसकी जीप बनती थी. तो बटलर मशहूर था
पूरे मशहूर था क्योंकि शहर में जीप बनती थी। बटलर मशहूर था क्योंकि वहाँ पे जीप बनती थी। तो पापा जी न्यूयॉर्क में गए, उन्होंने पहला केंद्र खोला। प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क में गए उन्होंने वहाँ पर पहला केंद्र खोला और वो कीर्तन करते थे टॉमसन स्क्वायर पार्क में। और प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे टॉमसन स्क्वायर पार्क में। और उस समय प्रभुपाद के पास कोई भक्त नहीं थे, अकेले जाते थे टॉमसन स्क्वायर पार्क में मृदंगा के साथ कीर्तन करने के लिए। तो प्रभुपाद जी उस समय वहाँ कीर्तन करते थे, प्रभुपाद के पास कोई भक्त नहीं थे और भी कोई सुविधा प्राप्त नहीं थी। तो प्रभुपाद जी को कोई भक्त मिले, उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। उसके बाद प्रभुपाद जी को कुछ भक्त मिले और प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की। जब ये चर्चा हो रही थी संसार को क्या नाम दिया जाए, तो वहाँ पर फिर बाद में एक चर्चा हुई थी कि संस्था को क्या नाम दिया जाए। कईयों ने कहा कॉल इट इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। तो कईयों ने कहा इसका नाम रखते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस, भगवत चेतना। नो, गॉड हैज टू बी स्पेसिफिक। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, हमें बिल्कुल एक स्पेसिफिक होना चाहिए। तो मैं कहा कृष्ण कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी ने कहा कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना। प्रभुपाद जी अमेरिका पहुँचे तो एक दिन वो पार्क में एक बेंच में बैठे थे। तो प्रभुपाद जी वहाँ पार्क में एक दिन पहुँचे तो वहाँ बेंच पर बैठे थे और उस बेंच में एक अमेरिकन व्यक्ति भी प्रभुपाद जी के पड़ोस में बैठ गया। तो उस बेंच पर एक अमेरिकन व्यक्ति भी प्रभुपाद के पड़ोस में बैठ गया। उसने पूछा, प्रभुपाद ने पूछा व्हाट डू यू डू। प्रभुपाद ने उसे पूछा आप क्या करते हो। इसे हम बस ड्राइवर, हम बस, उसने कहा मैं बस ड्राइवर। हाँ बोल दिया उन्होंने। तो उसने पूछा आप क्या करते हो। तो उस व्यक्ति ने पूछा आप क्या करते हो। मंदिर हैं भक्त हैं पर समय की समय का प्रश्न है, मैं इन सब का निर्माण करूँगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा मंदिर हैं भक्त हैं लेकिन समय परिस्थिति है, समय हमें परिस्थिति के जब समय परिस्थिति आएगा तो मंदिरों का निर्माण करूँगा। प्रभुपाद जी का पूरा विश्वास था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था होगी। तो प्रभुपाद जी को पूर्ण विश्वास था कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होगी। तो प्रभुपाद जी ने पहला केंद्र स्थापित किया न्यूयॉर्क में। तो प्रभुपाद जी ने पहला केंद्र स्थापित किया न्यूयॉर्क में। तो आप जो लीला मिले में आप पढ़ रहे हो वहाँ पढ़ रहे हो कि प्रभुपाद न्यूयॉर्क से जा रहे हैं सैन फ्रांसिस्को। तो अभी जो आप लीलामृत में पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे कि प्रभुपाद जी अब न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे वहाँ से, हम वहाँ से पढ़ेंगे। ओके। तो प्रभुपाद लीलामृत अध्याय 22, स्वामी जी हिप्पियों को आमंत्रित करते हैं। प्रभुपाद के विचारशील अनुयायियों की धारणा थी कि दीक्षा के आकांक्षी कुछ अभ्यार्थियों का इरादा अपने गुरु के प्रति जीवन पर्यंत एकांत प्रतिबद्धता निभाने का नहीं था। वे कहते स्वामी जी कुछ लोग केवल दीक्षा के लिए आते हैं, हमने उन्हें पहले कभी नहीं देखा और दीक्षा के बाद हम उन्हें फिर कभी नहीं देखते। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि ऐसा खतरा तो लेना ही होगा। एक दिन मंदिर में एक व्याख्यान में उन्होंने बताया कि यद्यपि एक शिष्य के पीछे के पिछले पापों के फल दीक्षा के समय समाप्त हो जाते हैं लेकिन दीक्षा गुरु का दायित्व तब तक बना रहता है जब तक शिष्य को भौतिक संसार से मुक्ति नहीं मिल जाती। इसलिए उन्होंने कहा कि भगवान चैतन्य ने चेतावनी दी है कि किसी गुरु को बहुत से शिष्य स्वीकार नहीं करने चाहिए। एक रात को जब मंदिर में प्रश्नोत्तर सत्र चल रहा था एक भारी भरकम दाढ़ी वाले व्यक्ति ने अपना हाथ उठाया
और प्रभुपाद से पूछा, क्या मैं दीक्षा ग्रहण कर सकता हूँ? उसकी इस दृष्ट खुलेआम प्रार्थना पर प्रभुपाद के कुछ भक्तों को खीज हुई, पर प्रभुपाद शांत गंभीर बने रहे। हाँ, उन्होंने उत्तर दिया, लेकिन पहले तुम दो प्रश्नों के उत्तर दो। कृष्ण कौन है? उस लड़के ने कुछ देर सोचा और कहा, कृष्ण भगवान है। हाँ, प्रभुपाद ने उत्तर दिया और फिर पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने फिर कुछ देर सोचा और उत्तर दिया, मैं भगवान का सेवक हूं। बहुत अच्छा। तो प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क से चले यूनाइटेड एयरलाइंस के हवाई जहाज में। तो प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क सैन फ्रांसिस्को के लिए। तो प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को गए यूनाइटेड एयरलाइंस के जहाज से। तो उस समय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का सबसे प्रथम हिप्पी स्थान माना जाता था। तो उस समय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का सबसे प्रसिद्ध हिप्पी स्थान माना जाता था। तो हिप्पी आप समझो क्या मतलब है? हिप्पी से समझते हो क्या मतलब है? प्रभुपाद जी ने कहा, आई एम मेकिंग हिप्पीज इनटू हैप्पीज। अमेरिकन हिप्पीज आर नो, प्रभुपाद सेड आई एम मेकिंग हिप्पी इनटू हैप्पीज। प्रभुपाद मेड हिप्पीज टू हैप्पीज। प्रभुपाद सेड, प्रभुपाद ने बोला कि मैं हिप्पीज को हैप्पीज बना रहा हूं। प्रभुपाद ने कहा कि मैंने हिप्पियों को हैप्पी बना दिया है। एक समय किसी ने भारत में प्रभुपाद से पूछा, आप कुछ जादू कर सकते हो? तो एक बार प्रभुपाद को भारत में किसी ने पूछा कि आप कोई जादू कर सकते हो? प्रभुपाद ने कहा नहीं। प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं। तो उसने कहा, एक जादू मैंने किया है। प्रभुपाद जी ने कहा, लेकिन एक जादू मैंने किया है। मेरी जिज्ञासा थी, क्या जादू किया है? उसने कहा, कुछ जिज्ञासा थी, क्या जादू किया है? और प्रभुपाद ने कहा, आई हैव कन्वर्टेड थाउजेंड्स ऑफ मलेच्छों इनटू ब्राह्मण। तो प्रभुपाद ने कहा, मैंने हजारों मलेच्छों को ब्राह्मण बना दिया है। तो नीचा कहते हैं, जिनका कोई चरित्र नहीं है और जो आपके खाइयों में जुड़े हुए हैं, नीचे उसे कहते हैं इसके कोई चरित्र नहीं है जो पाप के कार्यों में जुड़े हुए हैं। मलेच्छ उसको कहते हैं जिसका चरित्र पाप कार्यों में लगा रहता है। ब्राह्मण कहते हैं क्योंकि शास्त्रों से शिक्षा के आधार पर जी रहा है। और ब्राह्मण उसे कहते हैं जो शास्त्रों के आधार पर जी रहा है। तो प्रभु जी सैन फ्रांसिस्को आ रहे हैं, वो वहाँ भक्तों ने प्रबंध किया था प्रभु जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। तो जो प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को आते हैं तो वहाँ पर भक्तों ने प्रभुपाद जी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। आप सबने मुकुंददास स्वामी का नाम सुना है क्या? आपने सबने मुकुंददास गोस्वामी का नाम सुना है? वो थे, उनका नाम था माइकल ग्रांट। उनका नाम था माइकल ग्रांट। तो माइकल ग्रांट ने बड़ा अच्छा प्रबंध किया था, प्रभुपाद जी का स्वागत किया। माइकल ग्रांट ने बहुत अच्छा प्रबंध किया था और प्रभुपाद जी का स्वागत किया था। तो एक रिपोर्टर सैन फ्रांसिस्को का आया प्रभुपाद का इंटरव्यू लेने के लिए। तो वहाँ एक सैन फ्रांसिस्को का रिपोर्टर आया प्रभुपाद जी का इंटरव्यू लेने के लिए। प्रभुपाद जी ने उन्हें कहा, मैं भगवान का संदेश दे रहा हूँ समाज के सुधार के लिए। प्रभुपाद जी ने कहा, मैं भगवान का संदेश दे रहा हूँ समाज के सुधार के लिए। एक समय प्रभुपाद जी इंग्लैंड गए थे। तो एक बार प्रभुपाद जी इंग्लैंड गए थे। प्रभुपाद जी ने लंदन एयरपोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और प्रभुपाद जी ने लंदन के एयरपोर्ट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो उसने पूछा ब्रिटिश रिपोर्टर ने, स्वामी जी व्हाट हैव यू ब्रॉट फॉर अस? तो एक ब्रिटिश रिपोर्टर ने पूछा, स्वामी जी आप हमारे लिए क्या लेके आए हैं? स्वामी जी का, मैं वो चीज लाया हूँ इंडिया से जो तुम लाना भूल गए थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा, मैं वो चीज लाया हूँ जो तुम इंडिया से लाना भूल गए थे। तो वो रिपोर्टर सोचने लगा, क्या भूल गए हम लाना? तो रिपोर्टर सोचने लगा, ऐसा क्या भूल गए हम लाना?
हम कोहिनूर भी ले आए, जो लाना आसान नहीं था तो हम तो कोहिनूर भी ले आए, ऐसा क्या रह गया जो लाना आसान नहीं था? तो लाना आसान नहीं था। पापा ने कहा यू फॉरगॉट टू ब्रिंग वैदिक मैसेज, तो आई हैव कम टू गिव यू दिस वैदिक नॉलेज। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप वैदिक जो वैदिक शास्त्रों का ज्ञान है, तो भगवद गीता का ज्ञान वो लाना भूल गए हो, मैं वही वैदिक ज्ञान लेकर आया हूँ। तो प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को आए और भक्त ने दीक्षा समारोह का प्रबंध किया। तो प्रभुपाद जी जब सैन फ्रांसिस्को आए तो भक्त लोगों ने दीक्षा समारोह का आयोजन किया। भक्तों का अनुभव था, लोग दीक्षा से पहले दिखते हैं, दीक्षा के बाद दिखते हैं। तो यहाँ पर वो प्रसंग चल रहा है कि उसमें बताया जा रहा है कि दीक्षा से पहले कुछ लोग दिखते हैं, उसके बाद दिखते नहीं हैं। तो ये फैशन आज भी है सर, ये सच्चाई आज भी है। कई लोग दीक्षा से पहले बहुत अच्छी हाजरी लगाते हैं और फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि अच्छा दीक्षा मिल गई, अब उन्हें जाने की आवश्यकता नहीं। तो कुछ लोग दीक्षा से पहले तो बहुत अच्छी हाजिरी लगाते हैं और जब दीक्षा हो जाती है वो सोचते हैं दीक्षा तो अब हो गई, अब मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। असल में दीक्षा है केवल शुरुआत, अंत नहीं। तो दीक्षा एक शुरुआत है, अंत नहीं है। तो प्रभु जी के लिए दीक्षा का प्रोग्राम हो रहा था और भक्त ने पूछा क्योंकि दीक्षा लोग लेते हैं आना कम बंद कर देते हैं, तो उनको भी दीक्षा दी जाए। तो ये दीक्षा समारोह में ही प्रश्न कर रहे हैं भक्त लोग की, जो दीक्षा लेकर फिर आना बंद कर देते हैं, क्या ऐसे लोगों को दीक्षा देनी चाहिए? तो एक व्यक्ति प्रभु जी को मिला, पूछा मुझे दीक्षा दोगे आप? तो एक व्यक्ति प्रभु जी को मिला, पूछ रहा है कि मुझे दीक्षा दोगे क्या? प्रभु जी ने कहा सोचेंगे। टू थिंग्स, दो चीजें पूछा, दो क्वेश्चन का आंसर दो, दो प्रश्नों का उत्तर दो। प्रभु जी ने कहा हु इज कृष्णा, कृष्ण कौन है? तो उसने कहा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो उसने कहा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो फिर कौन है? परम भगवान ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदि गोविंद सर्व कारण कृष्ण, अनेक ईश्वर है एक ही परमेश्वर है। तो आप ब्रह्म संहिता पढ़ते हो, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, बहुत सारे ईश्वर हैं लेकिन एक ही परम ईश्वर है। तो पापा ने वो मैं कहीं हैप्पी से पूछा हु इज कृष्णा, तो प्रभुपाद ने सीपी से पूछा कृष्ण कौन है? तो उसने जवाब दिया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। प्रभुपाद बड़े खुश हुए, प्रभुपाद खुश हुए। तो प्रभुपाद ने दूसरा प्रश्न पूछा, तो प्रभुपाद जी ने दूसरा प्रश्न पूछा हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो? आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्ण। तो उसने कहा मैं भगवान का सेवक हूँ। उसने इन दो प्रश्नों का उत्तर दिया, अब दीक्षा ले सकते हो। जब उसने उत्तर सुना, प्रभुपाद ने उत्तर सुना, उन्होंने कहा कि आप दीक्षा ले सकते हो। आप कहोगे प्रभुपाद जी से तो वही प्रश्न पूछे, आज कल दीक्षा लेना हो तो 50 क्वेश्चन का उत्तर देना पड़ता है। तो आप कहोगे कि उस समय तो प्रभुपाद जी से दो प्रश्न पूछे और आज की समय में अगर दीक्षा लेना हो तो 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, कई कोर्सेज करने पड़ते हैं, कई सारे कोर्स करने पड़ते हैं। वो काम आप कहोगे पुराना स्टैंडर्ड रिवाइज करना चाहिए, तो आप कहोगे कि पुराना स्टैंडर्ड रिवाइज करना चाहिए। वो था इस्कॉन के फॉर्मेशन का समय, तो वो था इस्कॉन के संस्थापकना का समय, और उस समय स्टैंडर्ड थोड़े ढीले थे। तो उस समय जो स्टैंडर्ड्स थे वो बहुत निम्न स्तर के थे। प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे हिप्पी लैंड में। प्रभुपाद जी कहाँ प्रचार कर रहे थे? हिप्पी लैंड, हिप्पियों को प्रचार कर रहे थे। लोगों को कुछ पता नहीं था जीवन का क्या उद्देश्य है, हिप्पियों को नहीं पता था कि जीवन का क्या उद्देश्य है। तो कई बार लोग आरोप लगाते हैं, कहते हैं स्वामी जी अमेरिका गए, क्या किया उन्होंने? कोई चमत्कार नहीं दिखाया,
केवल हैप्पी लोगों को भक्त बनाए, तो हम हैप्पी लोगों को भक्त नहीं बनाना चाहते, इसलिए हम उन्हें कहने जाते। तो कई बार लोग कहते हैं कि स्वामी जी ने क्या किया, अमेरिका गए और हिप्पी लोगों को भक्त बनाया। हम तो हिप्पियों को भक्त नहीं बनाना चाहते, हम तो हिप्पियों को भक्त नहीं बनाना चाहते, वो पतित हैं, वो पतित हैं। तो ये आंदोलन जो है पतितों के उद्धार के लिए है, ये आंदोलन जो है वो पतितों के उद्धार के लिए है। आपके इस मंदिर में पंच पंचतत्व की मूर्तियों की स्थापना हुई है, आपके इस मंदिर में पंच तत्व के विग्रह की स्थापना हुई है, ये पहली बार है शायद बंगाल के बाहर पंच तत्व की स्थापना हुई है, ये पहली बार ऐसे बंगाल के बाहर पंच तत्व की स्थापना हुई है। बंगाल के बाहर, अमेरिका में हवाई के मंदिर में पंच तत्व है, अमेरिका में हमारा जो हवाई का मंदिर है उसमें पंच तत्व है, और इसे मैंने कहा भारत में बंगाल के बाहर पंचतत्व की स्थापना नहीं हुई, तो ये लेकिन भारत में बंगाल के बाहर पहली बार पंचतत्व की स्थापना हुई है। तो मैं सोच रहा था कि हमें मायापुर को डुप्लीकेट करना चाहिए दिल्ली में, तो मैं सोच रहा था कि हमें मायापुर को डुप्लीकेट करना चाहिए दिल्ली में। कैसे मायापुर में मायापुर में पंचतत्व की मूर्ति है और सिंह भगवान का सुंदर मंदिर है, और मायापुर में पंचतत्व के विग्रह हैं, वहाँ पर एक सुंदर मंदिर है, तो वहाँ तो पहले ही आ रहा था आपके इस रोहिणी के मंदिर में पंचतत्व भी होंगे और राधा संग्रह भी होंगे। तो पहले डिसाइड हुआ था कि आपके रोहिणी के मंदिर में पंचतत्व भी होंगे और प्रहलाद नरसिंह देव भी होंगे, पर हमारे डीटी मिनिस्ट्री ने कहा ये नहीं कर सकते, तो लेकिन हमारी डीटी मिनिस्ट्री ने कहा ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसको हमें सब नियम के आधार पर मूर्ति स्थापना होती है, क्योंकि इस्कॉन में शास्त्रों के आधार पर मूर्ति की स्थापना होती है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पंचतत्व की स्थापना कर सकते हो, नहीं उन्होंने कहा कि पंचतत्व की स्थापना कर सकते हो नरसिंह भगवान की नहीं, क्योंकि नरसिंह भगवान के लिए अलग मंदिर बनाना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए भगवान का अलग मंदिर बनाना पड़ता है, क्योंकि नरसिंह भगवान का अलग से मंदिर बनाना पड़ता है। जैसे मायापुर में आपने देखा होगा नरसिंह भगवान का अलग मंदिर है, जैसे आपने मायापुर में देखा होगा नरसिंह देव जी का अलग मंदिर है, हमने कहा देव की स्थापना करेंगे नगर में, वो पंचतत्व की स्थापना करेंगे इधर, तो फिर हमने कहा कि नरसिंह देव की स्थापना हम करेंगे संत नगर में और पंचतत्व की स्थापना करेंगे यहाँ पर। तो इसलिए पंचतत्व की स्थापना की, इसलिए यहाँ पर आपके पंचतत्व की स्थापना हुई। पंचतत्व कौन है? पंचतत्व कौन है? चैतन्य महाप्रभु उनके साथी, चैतन्य महाप्रभु और उनके साथी। तो कईयों ने कहा स्वामी जी ने क्या किया अमेरिका में, हिप्पी लोगों को भक्त बनाया। तो कई लोग कहते थे स्वामी जी ये क्या किया, हिप्पी लोगों को भक्त बनाया। तो ये बात सच है प्रभु ने कहा, प्रभु ने कहा ये बात सत्य है, पर ये हिप्पी को भक्त बनाया, और वो में क्या है प्रजा का रूप, कलयुग में क्या है प्रजा का रूप, तो कलयुग में क्या है प्रचार का रूप, प्रजा का रूप, प्रजा का रूप, प्रजा का रूप, वो अत्यंत पतित है, वो अत्यंत पतित हैं। तो पंचतत्व में प्रमुख कौन है? चैतन्य महाप्रभु। तो पंचतत्व में प्रमुख कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। ठाकुर कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कोर मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसार। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दयालु जगत। तो जैसे कि चैतन्य महाप्रभु आप कौन हो, आप प्रकट हुए हो पतितों का उद्धार करने के लिए। तो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु आप कौन हो, आप प्रकट हुए हो पतितों का उद्धार करने के लिए। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने नंदन ने जगाई मदाई का उद्धार किया, जैसे आप देखते हो कि चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मदाई का उद्धार किया। जगाई मदाई का जन्म हुआ था ब्राह्मण खानदान में,
जगाई मदाई पैदा तो हुए थे ब्राह्मण खानदान में, पर जुड़ गए थे हर प्रकार के पाप के कार्यों में। लेकिन जुड़ गए थे हर प्रकार के पाप कार्यों में। पिछले इलेक्शन में आपके प्रधानमंत्री कृष्णनगर बंगाल में लेक्चर दे रहे थे। तो पिछले इलेक्शन में आपके प्रधानमंत्री बंगाल में कृष्णनगर में लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने कहा अगर हमें वोट दोगे तो हम सब जगाई मदाई को सुधार देंगे। तो उन्होंने कहा कि यदि आप मुझे वोट दोगे तो हम सारे जगाई मदाई को भगा देंगे। ये भगवान इंद्र ने क्या पतितों का उद्धार किया, तो चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ पतितों का उद्धार करने के लिए। पतित पावन हेतु तव अवतार मौसम पतित प्रभु ना पाई। पतित पावन प्रभु तव अवतार मौसम पतित प्रभु ना पाई। आप प्रकट हुए हो किस लिए? पतितों के उद्धार के लिए। तो आप किस लिए प्रकट हुए? पतितों का उद्धार करने। और सब पतितों में मैं हूँ सबसे ज्यादा पतित। और सब पतितों में मैं सबसे ज्यादा पतित हूँ, इसलिए मुझे आपकी कृपा का पहला अधिकार है। तो इसलिए मेरा कृपा का पहला अधिकार है। तो हम ज्ञान देना सोचते हैं हम सबसे उत्तम भक्त हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं? हम सबसे उत्तम भक्त हैं। उत्तम भक्त हैं। उत्तम भक्त हम सबसे उत्तम भक्त हैं। हम सबसे उत्तम भक्त हैं। दूसरे जो हैं सब सेकंड क्लास हैं। और जो दूसरे हैं सबसे न्यूनतम सबसे सेकंड क्लास हैं। सबसे थर्ड क्लास टेंथ क्लास सॉरी दूसरे जो हैं सब घटिया है। जो जो दूसरे हैं वो सब घटिया हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हम ये चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए नरोत्तम ठाकुर कहते हैं पतितों का उद्धार करने के लिए। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं पतितों का उद्धार करने के लिए। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं चैतन्य चैतन्य में कोई गुण भी नहीं है, मैं नाम ही मत लो, नाम लोगे तो सारे गुण मिट जाएंगे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि मेरे में कोई गुण नहीं है, अगर मेरा नाम लोगे तो सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे आपके। हाँ, जो उत्तम कोटि के वैष्णव हैं कभी यही नहीं सोचते मेरे में सारे गुण हैं। तो जो उत्तम कोटि के वैष्णव हैं कभी नहीं सोचते कि मेरे अंदर कुछ कोई गुण है। आप नित्यानंद सुखी कृपा करो खाना खोले हमें बहुत दुखी। हाँ हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपावलोकन करो आमी बड़ा दुखी। कहते हैं नित्यानंद की शरण लो, नित्यानंद की शरण लोगे तो हमेशा आनंद में रहोगे। यदि आप नित्यानंद की शरण लोगे तो हमेशा आनंद में रहोगे। तो पापा जब प्रचार कर रहे थे सैन फ्रांसिस्को में तो उन्हें दो प्रसंगा परीक्षा दी। हु इज कृष्णा एंड व्हाट इज योर ड्यूटी? तो प्रभुपाद जी जब सैन फ्रांसिस्को में प्रचार कर रहे थे उन्होंने दो प्रश्नों से परीक्षा ली कि हु इज कृष्णा एंड हु आर यू। तो हमें ये स्वीकार करना चाहिए कृष्ण भगवान परम भगवान है। हमें ये स्वीकार करना चाहिए कृष्ण परम भगवान है। इसको हमें जुड़ने से पहले हम सब इस विचार में थे सारे भगवान एक ही हैं, कोई मांग लो एक ही परिणाम होगा। तो इस कौन में जुड़ने से पहले हम सभी इसी विचारधारा में थे, सब भगवान हैं, किसी को भी मान लो सब एक हैं। पर में आते आपके आप कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो यहाँ इस कौन में आके क्या देखते हो कि कृष्णा इज सबसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो प्रभुपादी सैन फ्रांसिस्को उन्होंने फ्रेडरिक स्ट्रीट में एक मंदिर खोला। तो फिर प्रभुपाद जी ने सैन फ्रांसिस्को में फ्रेडरिक स्ट्रीट में एक मंदिर खोला। वहाँ एक भक्त थे जयानंद प्रभु, वहाँ पर टेम्पल प्रेसिडेंट, वहाँ पे भक्त थे जयानंद प्रभु। वो अमेरिकन भक्त थे, टैक्सी चलाते थे। वो अमेरिकन भक्त थे और टैक्सी चलाते थे। टैक्सी चलाते थे सारी रात और जो आमदन होती थी उसे मंदिर का किराया देते थे। तो पूरी रात वो टैक्सी चलाते थे और जो उससे आमदन होती थी उससे वो मंदिर का किराया देते थे। उनके पास बहुत कम धन था। तो उस समय मंदिर के पास बहुत कम आमदन आमदन थी। तो ये जयानंद को कैंसर हो गया। तो जयानंद प्रभु को कैंसर हो गया था। और ये जयानंद प्रभु जब कैंसर हुआ
अमेरिका में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो सरकार आपको फ्री दवाई देती है। तो अमेरिका में क्या सिस्टम है, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो अमेरिकन गवर्नमेंट आपको फ्री दवाई देती है? तो जाना जो है जो उसको कैंसर की दवाई के लिए पैसे मिलते थे वो भी इस्तेमाल करता था उधर की सेवा में। तो जयानंद प्रभु को जो उनकी कैंसर की दवाई के पैसे मिलते थे वो पैसे भी वो मंदिर की सेवा में ही लगा देते थे। 24 घंटे जुड़ा था भगवान की सेवा में, वो भगवान की सेवा में लगा देते थे। पापा जी ने कहा जब जयानंद प्रभु का प्रकट हुए ही हैज गॉन बैक टू गॉडहेड। तो जब जयानंद प्रभु अप्रकट हुए तो प्रभुपाद जी ने कहा ही हैज गॉन बैक होम बैक टू गॉडहेड। जो आपने पढ़ा एक व्यक्ति ने प्रभुपाद से प्रश्न पूछा कि गुरु जो है शिष्य के कर्मों का परिणाम भुगतता है। तो आपने जैसे पढ़ा कि उसने पूछा शिष्य ने कि जो गुरु है वो शिष्य के कर्म फलों का परिणाम भुगतता है। तो गुरु जो है शिष्य का संबंध रहता है गुरु से जब तक शिष्य गुरु के आदेश का पालन कर रहा है। तो गुरु का जो संबंध है शिष्य के साथ तब तक है जब तक शिष्य गुरु के आदेश का पालन करे। तो प्रभु जी ने पूरी कठिनाई के साथ इस्कॉन की स्थापना की। तो प्रभुपाद जी ने बहुत कठिनाई के साथ इस्कॉन की स्थापना की। पहले उन्होंने अत्यंत संघर्ष किया भारत में। तो पहले प्रभुपाद जी ने भारत में संघर्ष किया, फिर पश्चिम देशों में जाकर तो दूसरा मंदिर खुला था सैन फ्रांसिस्को में, तीसरा मंदिर खुला था मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो दूसरा मंदिर खुला था सैन फ्रांसिस्को में और तीसरा मंदिर खुला था मॉन्ट्रियल कनाडा में, और मंदिरों की संख्या बढ़ती गई। इस तरह से मंदिरों की संख्या बढ़ती गई। प्रभु जी को उनका गुरु ने एक और आदेश दिया था कि तुम ग्रंथों को प्रकाशित करना। तो श्रील प्रभुपाद के गुरु ने उनको एक और आदेश दिया था कि तुम ग्रंथों को प्रकाशित करना। तो चेतन चेतनी समय ऊपर सनातन गोस्वामी के विषय में आप पढ़ रहे हो। तो चैतन्य चरितामृत में आप रूप और गुरु गोस्वामी सनातन गोस्वामी के विषय में पढ़ते हो। तो एक समय उस समय के राज्य के सबसे प्रसिद्ध मंत्री थे। तो वो नवाब हुसैन शाह जो राजा के वो प्रसिद्ध मंत्री थे। उनकी रुचि नहीं थी इस भौतिक राजनीतिक कार्य में। उनकी कोई रुचि नहीं थी ऐसे कोई भौतिक कार्य में, राजनीतिक कार्य में सॉरी। तो उन्हें नौकरी त्यागी महाप्रभु को मिले वो। तो उन्होंने नौकरी त्यागी और फिर महाप्रभु से मिले वो। तो महाप्रभु ने कहा वृंदावन जाओ तीन कार्यों को पालन करना। तो उन्होंने कहा महाप्रभु ने कहा वृंदावन जाओ और भक्ति के कार्यों का पालन करना। इनको क्या था, एक ग्रंथों की रचना करो। तो पहला क्या था, ग्रंथों की रचना करो। तो ऊपर सनातन गोस्वामी ने जो ज्ञान दिया है उन्हें पर है महाप्रभु जी की शिक्षा के आधार। तो जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने जो भी हमें ज्ञान दिया है वो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के आधार पर। फिर उन्होंने कहा कि उन स्थानों को खोजो जहाँ की भगवान ने दिव्य लीला प्रकट की थी। और दूसरा आदेश दिया कि उन स्थानों को खोजो जहाँ पर भगवान ने दिव्य लीला प्रकट की है। इसलिए आज जब आप तीर्थ स्थानों में जाते हो बड़ी सरलता से आपको पता लगता है ये लीला यहाँ भी थी। तो आज की डेट में जब आप वृंदावन जाते हो तो बड़ी सरलता से आप बता देते हो यहाँ पर ये लीला हुई वो लीला हुई। फिर उनका मंदिरों का निर्माण करो। और तीसरा आदेश दिया मंदिरों का निर्माण करो। बाबा जी तात्पर्य में कहते हैं श्री कृष्ण भावना संघ के दो मूल उद्देश्य हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत के दो मुख्य उद्देश्य हैं, एक ग्रंथों की रचना करना, ग्रंथों का वितरण करना, मंदिरों का निर्माण। एक ग्रंथों की रचना करना, उसका वितरण करना और मंदिरों का निर्माण करना। तो मंदिरों का निर्माण बहुत आवश्यक है।
मंदिरों का निर्माण बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद जी ने कहा मैं तो किसी वृक्ष के नीचे रह सकता हूँ। प्रभुपाद जी ने कहा मैं तो किसी भी वृक्ष के नीचे रह सकता हूँ। पतित समय में जो गोस्वामी थे उन वो बड़े मंदिर में कभी नहीं रहे। प्राचीन समय में जो गोस्वामी थे वो कभी मंदिर के अंदर नहीं रहे, अलग अलग पेड़ों के नीचे रहते थे। अलग अलग पेड़ों के नीचे रहते थे वो संतुष्ट थे। और वो संतुष्ट थे तो पापा ने कहा मैं तो पेड़ के नीचे भी रह सकता हूँ, पेड़ के नीचे रहूँगा कोई आएगा नहीं। तो प्रभुपाद ने कहा मैं तो पेड़ के नीचे भी रह सकता हूँ लेकिन अगर मैं पेड़ के नीचे रहूँगा तो कोई आएगा नहीं। मैं मंदिर बनाऊँगा सुंदर, लाखों लोग आएंगे। तो मैं सुंदर मंदिर बनाऊँगा तो लाखों लोग आएंगे। तो इसलिए क्या प्रभुपाद जी ने विदेशों में कृष्ण भक्ति की स्थापना की थी। एक दिन प्रभुपाद लॉस एंजलिस में थे और वो राधा कृष्णा रुक्मिणी, उनके नाम लॉस एंजलिस में रुक्मिणी द्वारका देश है, उन पर ध्यान कर रहे थे। तो एक बार प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस में जहाँ पर जो मंदिर है वहाँ पर विग्रहों का नाम है रुक्मिणी द्वारकाधीश, तो वहाँ पर प्रभुपाद जी ध्यान कर रहे थे। तो भगवान ने उनके हृदय में कहा अभी बाबू अब तुमने कृष्ण भक्ति की स्थापना कर लिया पश्चिम देश में, भारत में लौटो। तो भगवान ने कहा अभय बाबू अब तुमने पश्चिम देशों में कृष्ण भावनामृत की स्थापना कर ली है, अब तुम लौटो भारत देश में। तो वही भी भारत में लौटे। फिर प्रभुपाद जी भारत में लौटे। नहीं, भारत में विदेश जाने से पहले उन्होंने अत्यंत प्रयास किया था, अभी दिल्ली शहर में भी अत्यंत प्रयास किया था, ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने विदेश जाने से पहले भारत में बहुत प्रयास किया था और स्पेशली आपके दिल्ली में भी बहुत प्रयास किया था लेकिन कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। प्रभुपाद लौटे इंडिया में 100 विदेशी भक्तों के साथ। तो फिर प्रभुपाद जी लौटे भारत में 100 विदेशी भक्तों के साथ। बड़ा भारी आदमी कार्य क्रांति फैल गई हर जगह। तो फिर जब वो प्रभुपाद जी ऐसे लौटे विदेशी भक्तों के साथ तो हर जगह क्रांति फैल गई। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि भारत के प्रसिद्ध शहरों में मंदिरों का निर्माण हो। तो प्रभुपाद जी फिर प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि सारे प्रसिद्ध शहरों में मंदिरों का निर्माण हो। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी की इच्छा थी दिल्ली में भी, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ स्थान में भी मंदिर की स्थापना हो। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी जो दिल्ली जो इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर का स्थान है, इंद्रप्रस्थ जहाँ पर भी मंदिर की स्थापना हो। तो जैसे आपने सुना है दिल्ली में प्रचार प्रसार किया, पहला केंद्र था हस्तिनापुर का आनंद निकेतन में। तो आप देख सकते हैं अभी तो दिल्ली में जो पहला केंद्र था इस्कॉन का वो था आनंद निकेतन में। उनकी राधा प्रसाद मूर्तियों की स्थापना हुई थी उस घर में। तो वहाँ पर राधा पारसाथी विग्रहों की स्थापना हुई थी। पहले गया वहाँ आप सबके प्यार से इस अंदर बना है कोई नहीं मैं। तो उसके बाद प्रचार बढ़ता गया और आप देख सकते हैं आप सब भक्तों के प्रयास से यहाँ पर रोहिणी में सुंदर मंदिर बना है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए सुंदर मंदिर बन गया हमारा काम खत्म। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए अब सुंदर मंदिर बन गया हमारा काम खत्म। भक्तों का व्यवहार भी बहुत सुंदर होना चाहिए। भक्तों का व्यवहार भी बहुत सुंदर होना चाहिए। विश्वास में पढ़ते हो कि असली ऑर्नामेंट गहना क्या है, वैष्णव के गुण। तो आज जैसे शास्त्रों में पढ़ते हो किसी वैष्णव का असली गहना क्या है, वैष्णवता के गुण। हमें अपने आप को आध्यात्मिक गुणों से सजाना चाहिए। हमें अपने आप को आध्यात्मिक रूप से सजाना चाहिए, गुणों से सजाना चाहिए। तो इसका अर्थ है हम सब में विनम्रता का भाव होना चाहिए। इसका अर्थ है कि हम सब में विनम्रता का भाव होना चाहिए। हम एकता के साथ कार्य करें एक दूसरे के साथ। तो हम एकता के साथ कार्य करें एक दूसरे के साथ। तो कई बार हम नए भक्तों को मिलते हैं हाँ, उद्देश्य क्या है कि हम पूर्वी भक्त बनाए।
हमारा उद्देश्य क्या है कि हम सबको भक्त बनाएं। तो हमारे में ये भाव होना चाहिए कि हम हमारा आचरण बिल्कुल शास्त्र आधारित रखें। तो हमारा ये भाव होना चाहिए कि हमारा जो आचरण है वो शास्त्रों पर आधारित रहे। तो और एक दूसरे के साथ क्या होना चाहिए, एक साथ काम करने की इच्छा होनी चाहिए। एक दूसरे के साथ काम करने की इच्छा होनी चाहिए। काम करने की इच्छा होनी चाहिए। तो प्रभु ने कहा, योर लव फॉर मी विल बी शोन हाउ यू कोऑपरेट विद ईच अदर। तो प्रभुपाद ने कहा, योर लव फॉर मी विल बी शोन हाउ यू कोऑपरेट विद ईच अदर। तुम कितना प्रेम करते हो मुझे, ये कैसे प्रमाण होगा आपके आचरण के द्वारा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे प्रति आपका कितना प्रेम है, ये कैसे प्रकट होगा कि आपके आचरण से। प्रभुपाद जी ने कहा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी वर्क टुगेदर। तो प्रभुपाद जी ने कहा, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी वर्क टुगेदर, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम साथ मिलकर काम करें। इंग्लिश में कहा होता है, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। इंग्लिश में कहावत है, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। सुना है पहले? पहले सुनाइए ना, उसका अनुवाद क्या है? इसका अनुवाद क्या है? एक साथ रहोगे तो आप आगे उन्नति कर सकोगे, नहीं तो एक दूसरे से झगड़ा करोगे तो क्या आप आगे बढ़ नहीं सकोगे। तो अगर आप एक दूसरे से जुड़े रहोगे तो आप आगे बढ़ते रहोगे, लेकिन अगर आप एक दूसरे से अलग हो जाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक फेमस आदमी ने कहा है, जब हम शुरू मिलते हैं दूसरे व्यक्तियों को तो उसे हमारा कोऑपरेशन शुरू होता है। तो एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा है कि जब हम मिलते हैं एक दूसरे से तब हमारा कोऑपरेशन शुरू होता है। तो फिर एक तरह से काम करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। वे कहते हैं कि यदि हम साथ में काम करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, और अगर हम कटर सेवा करेंगे तो एक साथ रहेंगे। और जब आप साथ में सेवा करेंगे तो एक साथ रहेंगे। शुरू में हम मिलते हैं एक दूसरे को, शुरू में हम मिलते हैं एक दूसरे को, और फिर एक दूसरे को साथ मिलते हैं, इकट्ठा रहते हैं, वो प्रोग्रेस है। तो जब हम फिर सब साथ में आते हैं तो और सेवा करते हैं तो प्रोग्रेस करते हैं। हम एक साथ शुरू कर सेवा करें ये है सफलता, और जब हम साथ में सब सेवा करने लगते हैं तो ये है असली सफलता, ये है सफलता, ये है सफलता। जैसे कि आप नए व्यक्ति को जोड़ते हो, उनसे अच्छा संबंध नहीं हो क्या होगा, जो वो है वो छोड़ देते हैं आपकी संगत। जब आप दूसरों से मिलते हो, उनको जोड़ते हो, यदि आपका उनके साथ में अच्छा संबंध नहीं होता तो फिर क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? जुदा हो जाते हैं, युद्ध हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। सो ये वी कोऑपरेट टुगेदर, तो इसलिए कहते हैं कि बी कोऑपरेटिव विद ईच अदर, गेटिंग टुगेदर, वी कोऑपरेट टुगेदर, गेटिंग टुगेदर इज द बिगिनिंग ऑफ कोऑपरेशन, गेटिंग टुगेदर इज द बिगिनिंग ऑफ कोऑपरेशन, स्टेइंग टुगेदर इज द बिगिनिंग ऑफ कोऑपरेशन, देन देयर इज प्रोग्रेस इफ यू वर्क टुगेदर, देन इज प्रोग्रेस इफ यू वर्क टुगेदर, द प्रोग्रेस इज if we work together, and if you are serving together, not fighting, that is success. And if you serve together without fight, that is success. So, I want to say, ऐसा नहीं कि दो दिन के लिए हम इकट्ठे रहें और तीसरे दिन अलग हो जाना है, हमारा प्रयास होना चाहिए हम इकट्ठे मिलकर सेवा करें और चलते आगे बढ़ें। तो हम चाहते हैं कि ऐसा भाव हो, हम चाहते हैं कि हम रहें इकट्ठा, फिर हमारा क्या निम्रता का भाव होना चाहिए।
तो अगर आप चाहते कि ऐसा हो तो आपके अंदर क्या भाव होना चाहिए? विनम्रता का भाव होना चाहिए। प्रभु जी ने एक उदाहरण दिया, एक समय एक पिता के चार बेटे थे। तो प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया कि एक पिता के चार बेटे थे और इन चारों का झगड़ा होते रहता था। इन चारों का झगड़ा होता रहता था। तो पिता ने एक दिन चारों बेटों को बुलाया। तो पिताजी ने एक दिन सभी पुत्रों को बुलाया और एक छोटे लकड़ी का स्टिक एक एक सब बेटों को दे दिए। तो एक एक लकड़ी की छड़ी सब बेटों को दे दी। तोड़ो इसे। तो बोला तोड़ो इसे। तो चारों भाइयों ने आसानी से तोड़ दिया और सबने आसानी से उन छड़ी को तोड़ दिया। फिर उसके बाप ने चारों छड़ियों को इकट्ठा बांध दिया, अब इसे तोड़ो। तो फिर पिताजी ने कुछ लकड़ियों को इकट्ठे बांध दिया और बोला अब इसे तोड़ो। कोई भी तोड़ नहीं पाया। पर कोई तोड़ नहीं पाया। फिर तो पापा ने कहा कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो प्रभुपाद जी ने कहा यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। तो मन में केवल ये भाव नहीं होना चाहिए, हमने सुंदर मंदिर बना लिया। असल में हमें सुंदर मंदिर सुंदर आचरण के द्वारा लोगों को आकर्षित करना है, सेवा में लगाना है, तो ये देखना है कि वो इकट्ठा रहे। तो हमें ये नहीं कि अभी सुंदर मंदिर बना दिया और बस, हमें सुंदर आचरण भी रखना है ताकि लोगों को जो लोग जुड़े वो भी सुंदर आचरण के माध्यम से आगे आकर्षित हों और सेवा में लगे। तो ये है असली एकता का उद्देश्य। तो ये है असली उद्देश्य। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा देना है? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। तो अगर ये भाव होगा, ये तो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जिससे आप सब परिचित हो। तो ये बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है जिससे आप परिचित हो। तो क्या कहते हैं महाप्रभु, आपको अत्यंत सहनशील होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं आपको अत्यंत सहनशील होना चाहिए और घास से भी ज्यादा पतित, और घास से भी ज्यादा पतित होना चाहिए। दूसरों को आदर दो। और दूसरों को आदर दो, बदले में उम्मीद मत रखो। और बदले में आदर की उम्मीद मत रखो। तो इस भावना से कार्य करोगे तो क्या लाभ होगा? आप सदा हरि का नाम कर सकोगे। तो इस भावना से जब आप कार्य करोगे तो आपका क्या लाभ होगा? आप सदा हरि नाम कर सकोगे। तो प्रभु जी कहते थे हम भक्तों के व्यवहार में हमें एक दूसरे के गुणों को देखना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते थे हमें भक्तों के व्यवहार में एक दूसरे के गुणों को देखना चाहिए। अब गुणों को नहीं, गुणों को नहीं, गुणों को देखोगे हमें भाव आएगा आदर का। तो यदि आप गुणों को देखोगे तो आपके अंदर भाव होगा आदर का। तो ये आवश्यक है कि हम इन गुणों को अनुकूल करें। तो ये आवश्यक है आप गुणों को अनुकूल करें और हरि नाम में रुचि बढ़ाएं। और हरि नाम में रुचि बढ़ाएं। अभी आपके इस मंदिर में मुझे पूरा विश्वास है कि जो भक्त आएंगे उनकी संख्या बढ़ते जाएगी। तो मुझे आपके इस मंदिर में मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो लोग आएंगे भक्त आएंगे उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। और हमें वो मंदिर आए उनका स्वागत करना चाहिए। तो आपके जो मंदिर में आए हमें उनका स्वागत करना चाहिए, मीठे शब्दों से चर्चा करनी चाहिए। मीठे शब्दों से चर्चा करनी चाहिए। अब देखो वो कहेंगे हमारे कृष्ण रोहिणी में गए थे, उन्होंने बड़े प्रेम से स्वागत किया। तो फिर वो लोग कहेंगे कि हाँ हम इस्कॉन रोहिणी मंदिर में गए थे, उन्होंने बड़े प्रेम से हमारा स्वागत किया। वो देखेंगे हम मंदिर गए भक्त भाग ही गए। अगर ऐसा हुआ कि वो कहें कि हम मंदिर गए लेकिन भक्त तो भाग ही गए, किसी ने हमारा स्वागत नहीं किया, किसी ने हमारा स्वागत नहीं किया, तो आप उनको आकर्षण नहीं कर सकोगे।
वो आकर्षित नहीं कर, जो है लोगों को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। तो हम जुड़ते हैं लोगों के साथ, पर हमें मिलकर सेवा करना है। हम जुड़ते हैं लोगों के साथ, लेकिन हमें मिलकर सेवा करना है। वो है असली कोऑपरेशन, वो है असली कोऑपरेशन। प्रभु का भक्ति, भक्ति या गोल स्वरूप कृष्ण। तो प्रभुपाद जी ने कहा भक्ति इज भक्ति व्हेन यू टुगेदर सर्व कृष्ण। प्रभुपाद ने कहा अलग अलग भक्तों का अलग अलग विचार हो सकता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा अलग अलग भक्तों का अलग अलग विचार हो सकता है। सबका उद्देश्य क्या होना चाहिए? कृष्ण सेवा। पर सबका उद्देश्य क्या होना चाहिए? कृष्ण की सेवा। चाहे आप मंदिर के फुल टाइम भक्त हो या कॉन्ग्रीगेशन भक्त हो, चाहे आप मंदिर के फुल टाइम भक्त हो या कॉन्ग्रीगेशन भक्त हो, वहाँ भाव होना चाहिए हम सेवा में जुड़े। हमारा भाव होना चाहिए कि हम सेवा में जुड़े। और जो ब्राह्मण के भक्त हैं उन्हें सुविधा है कि आप भगवान के आश्रय वगैरह की सेवा कर सकते हैं। और जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त हैं उनके पास ये सुविधा है कि भगवान के अर्चा वगैरह की सेवा कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी की महिमा बढ़ते जा रही है। प्रभुपाद जी की महिमा बढ़ते जा रही है। कल शाम को हमारे मंदिर में इंटरफेथ मीटिंग हुई थी। तो कल हमारे मंदिर में शाम को इंटरफेथ करके एक प्रोग्राम हुआ था प्रीचिंग का। इंटरफेथ मतलब अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधि थे। इंटरफेथ का मतलब कि अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधि वहाँ आए थे। उनमें एक सरदार जी थे, एक सिखों के आश्रम के नेता थे। सरदार जी, सरदार जी आई थिंक शीशगंज गुरुद्वारा के जो हेड थे सरदार जी, उन्होंने वो भी थे वहाँ, वो भी वहाँ पे थे। उन्होंने बोला मैं जब देखता हूँ ईश्वर के भक्त रेड लाइट में किताबें बेच रहे हैं, मैं पहले सोचता हूँ बड़े उत्तम कोटि के भक्त होंगे। तो कहते हैं उन्होंने बोला कि जब मैं इस्कॉन के भक्तों को रेड लाइट पे पुस्तक बांटते देखता हूँ तो मैं बहुत तो मैं सोचता हूँ कि बहुत उत्तम कोटि के भक्त हैं। तो कई बार हमारे भक्त कहते हैं रेड लाइट में किताबें क्यों भेजते हो, रेड लाइट में क्यों भेज। तो कई बार लोग बोलते हैं कि ये आप रेड लाइट पे प्रीचिंग क्यों करते हो। तो हम हर सुविधा का लाभ उठाते हैं भगवान का संदेश आगे पहुंचाने के लिए। तो हम हर सुविधा का लाभ उठाते हैं भगवान के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए। जब हम अच्छी तरह आचरण करें तो प्रभुपाद की महिमा भी बढ़ती है। तो जब आप अच्छी तरह आचरण करेंगे तो प्रभुपाद की महिमा भी बढ़ती है। वो कह रहे हैं प्रभुपाद की संत क्या संसार दिन ब दिन बड़ी फैलते जा रही है। तो वो कहेंगे कि देखिए प्रभुपाद जी के भक्तों को देखो, इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो हमें संख्या बढ़ाना है भक्तों की संख्या, इसलिए क्योंकि ज्यादा तक होता है कहो हमें भक्तों की संख्या को बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो प्रभु लीला मिता प्रभु के जीवन के विषय में चर्चा की जाती है हर एकादशी को। जैसे कि प्रभुपाद के जीवन के विषय में चर्चा की जाती है हर एकादशी को। प्रभु जी की जो लीलाएँ हैं, जो प्रयास उन्होंने किया, जो ग्रंथों की रचना की, पढ़ेंगे विश्व के 10,000 सालों तक। तो प्रभुपाद जी ने जो प्रयास किया, जो प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लिखे हैं उसका जो हम पढ़ेंगे तो 10,000 वर्षों तक पढ़ेंगे उसको, 10,000 वर्षों तक पढ़ेंगे। तो हमें यही नहीं सोचना चाहिए ये जो ग्रंथ हैं उनका आधुनिक युग में कोई स्थान नहीं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो ग्रंथ हैं इनका आधुनिक जीवन में कोई स्थान नहीं है। जो ग्रंथ हैं हमारी शिक्षा के लिए हैं, जो ग्रंथ हैं में महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त हो रही है। तो इन ग्रंथों से हमें महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त होती है। हमें इन ग्रंथों को बकायदा पढ़ना चाहिए। तो इन ग्रंथों को बकायदा पढ़ना चाहिए।
और ये पढ़ोगे मित्रता का भाव भी अनुकूल कर पाओगे। यदि आप इन्हें पढ़ोगे तो मित्रता का भाव भी अनुकूल कर पाओगे। और शरण कृष्ण में हमारी रुचि होनी चाहिए, तो इन ग्रंथों के पढ़ने के प्रति हमारी रुचि होनी चाहिए, श्रवण में हमारी रुचि होनी चाहिए। ओके, तो आप सबका बहुत शुक्रिया, और इस सुंदर मंदिर आप सबके प्रयास है, खास करके वेद व्यास प्रभु जिन्होंने बहुत सहयोग दिया, आपके जो मेम्बर्स हैं उन्हें भी सहयोग दिया, आपके जो भाई मेम्बर हैं और ऐसे पूरा सपिया उन्होंने अब खूबसूरत बनाने में पूरा प्रयास किया, सबके प्रयास से ये मंदिर बन गया है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सभी भक्तों के प्रयास से इस वेद व्यास प्रभु के उन्होंने इसमें सहायता दी है, हमारे राष्ट्रप्रिय प्रभु और उनके और भी आपके आप सबका सहयोग जो और मेंबर हैं उन सभी के प्रयास से सुंदर मंदिर बन गया है। उदाहरण देते थे एक समय एक अंधा व्यक्ति लंगड़े व्यक्ति को मिला, तो प्रभुपाद जी को उदाहरण देते थे कि जब एक अंधा व्यक्ति एक लंगड़े व्यक्ति को मिला, अंधे व्यक्ति ने कहा मैं देख नहीं सकता, लंगड़े ने कहा मैं चल नहीं सकता, तो अंधे ने कहा मैं देख नहीं सकता और लंगड़े ने कहा मैं चल नहीं सकता, तो फिर लंगड़े ने कहा मेरे पास उपाय है, तो लंगड़े व्यक्ति ने कहा मेरे पास एक उपाय है। क्या है उपाय? क्या है उपाय? मेरी आंखें तुम्हारे पैर, मेरी आंखें और तुम्हारे पैर, तुम मुझे अपने कंधे में उठाओ, तुम मुझे अपने कंधे में बिठाओ, दोनों आगे बढ़े, तो दोनों इस तरह आगे बढ़े, तो हम भक्तों में भी इसमें कोई योग्यता है इसमें कोई और योग्यता है, तो हम भक्तों में भी किसी में एक योग्यता है किसी और में दूसरी योग्यता है, हम ऐसा करेंगे भगवान का संदेश दूर दूर तक फैलेगा, तो हम मिलकर काम करेंगे तो भगवान का संदेश दूर दूर तक फैलेगा। मानते हो? मानते हो? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? समीक्षा, हाँ सबको सुनाई दिया, यहाँ तो क्योंकि आपको उसको मैं सुनाई दे रहा था, आपको उस तरफ सुनाई दे रहा था माता जी के उस सेक्शन में, सुनाई देना पर समझ भी आना चाहिए, सुनाई के साथ समझ भी आना चाहिए। हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा गुरु महाराज, आपने अपने मीठे वचनों के द्वारा भगवत शब्दों के द्वारा सबका उत्साह बढ़ाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और गुरु महाराज मेरे को बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मेरे को आपसे प्रसन्न करने का एक मौका मिल रहा है और आप उसका आंसर दे रहे हैं। गुरु महाराज मेरे ना दो प्रश्न है, एक शिष्य के लिए अपने गुरु के प्रति मोस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या कर्तव्य है जिसको कभी भी वो अपने जीवन में ना भूले? जो आपने दीक्षा के समय वचन दिया है उसका पालन करो, तो जो दीक्षा के समय शिष्य जो वचन आपने दिया है उसका पालन करना, उसका पालन करो, और चैंट, चैंट। दूसरा प्रश्न ये महाराज, जैसे कि शास्त्रों में बताया गया, आपने ये बताया कि गुरु का अपने शिष्य के प्रति जो संबंध बना रहता है, जो जब तक शिष्य गुरु के वचनों के प्रति सचेत रहता है, जब शिष्य अपने गुरु के वचनों को तोड़ देता है तो संबंध टूट जाता है वो, जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे पिता भगवान श्री कृष्ण हैं और इस जगत में भी जो हमारे पिता होते हैं तो पुत्र अपना संबंध तोड़ देता है अपने पिता से, फिर भी उनका संबंध बना रहता है, और जबकि बताया गया कि गुरु और शिष्य का संबंध तो पिता के भी संबंध से ज़्यादा है, फिर इसको हम कैसे समझें? शिष्य संबंध तब तक बना रहता है जब शिष्य तब तक पालन करता है गुरु के वचनों का, और पिता पुत्र का संबंध भी अगर पुत्र अपने पिता से संबंध तोड़ भी देता है लेकिन वो संबंध बना रहता है, लेकिन गुरु शिष्य का संबंध तो उससे भी ऊपर गिना गया है, तो इसको कैसे समझे को कैसे बना रहता है? एक रूप से संबंध रहता है,
हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम कुछ भी करेंगे, गुरु हमारी सुरक्षा करेगा। तो गुरु शिष्य का संबंध ऐसा है कि ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ भी करेंगे और गुरु हमारी सुरक्षा करेंगे। भगवान भी कहते हैं सर्व धर्मम पुरुषे जम हमें कृष्ण हो जा, तो भगवान हम सब पापे पे उसमें मानते अगर तुम सब ईश्वर में होगे तो मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा। तो भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं कि सभी धर्मों का परित्याग करके जब तुम मेरी शरण में आओगे तब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ओके, मोर क्वेश्चंस? मोर क्वेश्चंस? यस। हरे कृष्णा गुरु महाराज। हरे कृष्णा गुरु महाराज। मेरा प्रश्न था, जैसे कि आप कहते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन होता है गुरु का शिष्य के प्रति कि अच्छे से नाम जप करें, और कैसे अच्छे से नाम जप में हम रुचि डेवलप कर सकते हैं, ये गुरु महाराज मेरा प्रश्न था। और कैसे अच्छे से नाम में रुचि डेवलप कर सकते हैं, और कैसे पढ़ाएं? रुचि अनुकूल करोगे जप करने से, रुचि अनुकूल करोगे जप करने से, जप करोगे तो रुचि बढ़ेगी, जप करोगे तो रुचि पढ़ोगे तो रुचि बढ़ेगी, जब करोगे ग्रंथों को पढ़ोगे तो रुचि बढ़ेगी, सेवा करोगे तो रुचि बढ़ेगी, सेवा करोगे तो रुचि बढ़ेगी। हरे कृष्णा गुरु महाराज। ये हरे कृष्णा गुरु महाराज। गुरु महाराज थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल लेक्चर। महाराज मेरा प्रश्न है कि सिर्फ भक्तों में सिर्फ और सिर्फ गुणों को कैसे देख सकते हैं, सिर्फ गुणों को? प्रयास करने से, प्रयास करने से। इंग्लिश में एक कहावत है, ट्राई एंड ट्राई अगेन यू विल सक्सीड एट लास्ट। तो इंग्लिश में कहावत है, ट्राई ट्राई अगेन एंड यू सक्सीड इन द लास्ट। प्रयास करते जाओ, प्रयास करते जाओ। भगवान कहते हैं भक्त में कमी भी हो मैं उसे दूर कर देता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि भक्त में अगर कोई कमी भी हो तो मैं उसको दूर कर सकता हूँ, दूर कर देता हूँ, दूर कर देता हूँ। Okay. हरे कृष्णा। yes. गुरु महाराज प्लीज, दंडवत प्रणाम, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीसेंसेस, प्लीज फॉरगिव मी इफ आई से एनीथिंग रॉन्ग और आई डू एनी ऑफेंस। गुरु महाराज दिस इज नॉट माय क्वेश्चन, बहुत सारे डिवोटीज हैं, हमें बहुत खुशी है कि बहुत बड़ा मंदिर बना, बट हम जिन जगन्नाथ जी से सुबह रात दिन रात प्रार्थना करते थे वो विटनेस नहीं बन सके इतने बड़े महोत्सव की, और आज जब हम यहाँ पर सब विग्रहों के सामने हैं जगन्नाथ जी अकेले हैं, तो क्या इतने बड़े ऑल्टर में हम जगन्नाथ जी को नहीं ला सकते? डिसीजन इज टोटली योर्स एंड इट इज मिनिस्ट्री। एक मिनट एक मिनट, क्या उनको ऊपर नहीं ला सकते जहाँ पे ऑल्टर रख सकते, उनकी कृपा से उनसे प्रार्थना करते हैं तो बना है मंदिर। जगन्नाथ जी प्रकट है कृष्ण के रूप में और चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो कृष्ण जगन्नाथ जी यहाँ प्रकट हैं कृष्ण के रूप में और चैतन्य महाप्रभु के रूप में। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री गौरा, श्री जगन्नाथ, श्री कृष्ण, श्री गौरा, श्री जगन्नाथ। कई बार मैं ऑल्टर में ये देखना पड़ता है कितने कितनी जगह है। तो कई बार हमें ये देखना पड़ता है कि ऑल्टर में कितनी जगह है। जैसे कि आपके इस मंदिर में राधा माधव और साथ में ललिता विशाखा भी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे दिल्ली मंदिर में यहाँ पर राधा माधव और ललिता विशाखा भी है यहाँ पर। और गोविंदाई होते हैं ये बात गिरा श्रीवास अलचर्य भी है। तो जनरली गौर नेताई होते हैं लेकिन यहाँ पर पंचतत्व देख सकते हैं आप। तो
पर जगन्नाथ जी की देखभाल होती जाएगी, पर जगन्नाथ जी की देखभाल होती जाएगी होगी। हरे कृष्ण जी। यस प्रणाम गुरु महाराज जी। मैं लगभग इस्कॉन से सन 2020 से जुड़ा हूँ और कई कथाएं सुनी हैं, लेकिन मैं पहली बार आपसे मिल मतलब पहली बार लाइव आपकी कथा देखी है और पहली बार आपको ऐसे बोलते हुए देखा। सच अ ग्रेट इंस्पिरेशन। अब मुझे पता लगा कि बाकी डिवोटीज क्यों आपकी वीडियोस वगैरह इतना पोस्ट करते हैं, मुझे उसका पीछे कारण नहीं समझ आता था। सच अ ह्यूज ग्रेट इंस्पिरेशन प्रभु जी। महाराज जी, महाराज जी मेरा ये सवाल है, जब हम एसोसिएशन में होते हैं भक्तों के साथ, और एसोसिएशन में हम इसीलिए रहते हैं ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ पाएं, लेकिन उस एसोसिएशन में जो हमारे मित्र हैं कहीं वो भक्ति में गिर ना जाएं उन गुणों की वजह से जो उनको ले डूबेगी, जो उनकी भक्ति खराब कर देगी। और अगर हम अगर वो बातें उनको बता रहे हैं इसके बावजूद भी वो अपनी बात को नहीं मान रहे और वो पर्सनल लड़ाई पर आ जाता है इस चीज़ों को लेकर, जहाँ पर हम शिला प्रभुपाद जी के द्वारा उनके मिशन को आगे बढ़ाएं, इस पे चर्चा करें, अपनी भक्ति आगे बढ़ाएं, इस पे फोकस करने के लड़ाई पर्सनल लेवल पे हो जाए, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करें इसके बारे में अवश्य बताएं। जैसे कि जब हम भक्तों के संग में आते हैं, इकट्ठे आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन कई बार हमारे जो मित्र हैं जो भक्ति में उनके कुछ अवगुण होते हैं, उनको जब पॉइंट आउट करते हैं तो वो लड़ने लग जाते हैं हमारे साथ। इसको कैसे देखें, पर्सनल हो जाते हैं, पर्सनल लड़ाई पे आ जाते हैं आगे बढ़ने की बजाय। कोई व्यक्ति आपके सुधार के लिए कोई सजेशन देता है, हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति आपको अच्छा अच्छा सजेशन दे, आपके उधार की बात करे, तो स्वीकार कर लेना चाहिए। उसमें ईर्ष्या द्वेष है इसलिए ऐसे बोलता है, ये नहीं कि उसमें ईर्ष्या द्वेष है इसलिए मुझे ऐसा बोल रहा है। आप किसी ने भक्का सहयोग ले सकते हो आपके मन में कोई डाउट हो, तो आप किसी सीनियर भक्त का सहयोग ले सकते हो अगर आपके मन में कोई डाउट है तो। हरे कृष्ण महाराज, प्रणाम महाराज। मेरा प्रश्न है और मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मैंने मेरा प्रश्न आपको गलत लगे, लेकिन मैं आपसे समाधान चाहता था महाराज। तो महाराज जैसे अगर हम एक परिस्थिति में देखते हैं कि दो भक्त दो लीडर्स हैं और दो इन जनरल दो भक्त हैं और उनका स्वभाव नहीं मिलता है, दोनों भक्त अपने अपने अच्छी भक्ति कर रहे हैं लेकिन उनका स्वभाव नहीं मिलता है, जब भी वो साथ में आते हैं तो केमिस्ट्री मिसमैच हो जाता है और उसके कारण क्या होता है कि सेवाओं में और वातावरण में एक हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं रहता है। जैसा आप बताए थे महाराज कि हम सबको एक दूसरे के गुण देखने चाहिए और हम सबको सहनशील होना चाहिए, लेकिन महाराज कभी कभी मन में आता है कि क्या ऐसा उपाय ज़्यादा सरल नहीं है कि दोनों भक्त अच्छे भक्त हैं लेकिन दोनों भक्त अपनी अपनी जगह सेवा करें और इकट्ठे सेवा ना करें तो शायद समाधान जो है वो आसानी से मिल जाएगा। महाराज आपसे प्रश्न पूछना आता था कि कई बार लीडर्स होते हैं सबका अपना अपना एक योग्यता, लेकिन आपस में उनका केमिस्ट्री मैच नहीं करता तो आपस में सेवा इकट्ठे से कर नहीं पाते। आपने जैसे कहा एक दूसरे के गुण देखने चाहिए, अवगुण नहीं देखने चाहिए, लेकिन कई बार हमें ये लगता है कि दो बेटर इकट्ठे ना सेवा करें, एटलीस्ट अलग अलग सेवा कर लें ताकि शांति बने। प्रभु जी कह रहे थे कि अलग अलग भक्तों के यहाँ अलग अलग भाव हो सकता है, पर हम सबका कभी परीक्षा क्या है कि कार्य जो हम कर रहे हैं कृष्णा की सेवा के लिए, प्रभुपाद जी कहते थे कि भक्त का अलग अलग भक्तों का अलग अलग भाव हो सकता है लेकिन सबका उद्देश्य एक ही होना चाहिए, कृष्ण की सेवा। जैसे अब ये उम्मीद नहीं कर सकते अगर इस मंदिर में 40 वोटी हैं सब हर पॉइंट में एक ही तरीके से सोचेंगे। हाँ, यहाँ पर भी मंदिर में इतने सारे भक्त हैं तो सब एक ही तरीके से नहीं सोचेंगे, ये संभव है उनके अलग अलग विचार हों। ये बहुत संभव है कि सबके अलग अलग विचार हों, पर टेस्ट है कृष्णा के लिए अच्छी सेवा के लिए अच्छा है या बुरा, हमें ये देखना है कृष्ण की सेवा के लिए अच्छा है या बुरा। अगर हम केवल हमारे अहंकार की सेवा कर रहे हैं तो उसे त्याग देना चाहिए। यदि हम
केवल अहंकार की सेवा कर रहे हैं तो हमें उसे त्याग देना चाहिए. It's really good for Krishna. हमें ये देखना चाहिए what is really good for Krishna. कृष्ण के लिए क्या अच्छा. हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज. बहुत सुंदर अपने आशीर्वचन दिए आपने. कहा अगर एक दूसरे से कोऑपरेट करना है तो हमें विनम्र होना पड़ेगा, विनम्र बनना पड़ेगा, हम्बल बनना पड़ेगा. नहीं, कई बार मन में ऐसा विचार होता है कि अगर मैंने ज़्यादा विनम्रता का पालन किया तो लोग मुझे मूर्ख बना देंगे, मेरा फ़ायदा उठाएंगे, तो उसको ज़्यादा लाभ हो जाएगा, मैं मूर्ख बना रहूँगा, तो मैं तो वैसे ही बहुत विनम्र हूँ. तो ये विचार आते हैं, तो इसलिए लोग बोलते हैं कोऑपरेशन केवल एक थ्योरेटिकल वर्ड रह जाता है, हर कोई अपने आप में हमें हमारा उद्देश्य कुछ और हो जाता है. तो कैसे इस भावना से ऊपर उठें महाराज? तो प्रश्न है कि कई बार आपने कहा विनम्र होना चाहिए, लेकिन कई बार मन में ये भाव आता है कि अगर मैं ज्यादा विनम्र हो जाऊंगा तो लोग मेरा फायदा उठा लेंगे और मुझे मूर्ख बना लेंगे. तो इससे फिर कोऑपरेशन एक थ्योरेटिकल. हमें सोचना चाहिए कि भक्ति के मार्ग में मानो किसी ने चापलूसी करके अपनी सेवा करवाई है तो आप कृष्ण की सेवा हुई थी, तो आप कभी एक्सप्लॉइट नहीं हो सकते. क्या अगर देखते हो कि भक्ति के मार्ग में किसी ने चापलूसी से कोई सेवा करवाई है तो उस पे भी कोई हानि नहीं है, वो कृष्ण की सेवा हो रही है. ये जो इसका में एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, इस समय जो एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, जो इस्कॉन में जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, टेंपल प्रेसिडेंट जीवीसी, जैसे टेंपल प्रेसिडेंट है, ऑपोजिशन है, जैसे टेंपल जैसे इस्कॉन में मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, टेंपल प्रेसिडेंट जीबीसी और बाकी, तो उसमें उस सिस्टम को रिस्पेक्ट करना चाहिए. तो उन सबको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये नहीं कि कोई मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, ये नहीं कि कोई मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है. प्रश्न का ये था कि अगर विनम्र बनेंगे तो सामने वाला हमारे एडवांटेज ले लेता है, एक्सप्लॉइट करता है. वो भी ठीक नहीं है. तो वो भी ठीक नहीं है. हम अधिकारी हैं, हमें ये देखना चाहिए दूसरा व्यक्ति क्या सेवा कर सकता है, क्या सेवा करना चाहे. तो यदि हम अधिकारी हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति क्या सेवा कर सकता है, क्या करना चाहता क्या है? करना चाहता है. यस बोलिए. थैंक यू गुरु महाराज. सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर मंदिर और इतने सुंदर डीटीज देने के लिए और हमें सेवा में लगाने के लिए. महाराज मेरा प्रश्न ये है कि अभी तक हम लोग, मैं विशेष रूप से फंड कलेक्शन की सेवा में था, तो अभी जैसे मंदिर का निर्माण हो गया, ओपनिंग हो गई, तो मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए कि फंड कलेक्शन बंद कर दूँ या आगे क्या सेवा करूँ, प्लीज़ ज़रा आप बताइए महाराज. और मेरे से ऐसे और भी बहुत सारे भक्त हैं कि जो फंड कलेक्शन की सेवा में थे, तो उन सब के लिए आपका क्या इंस्ट्रक्शन है प्लीज? आपको बहुत पहले तो थैंक यू कर रहे हैं आपका. कह रहे हैं कि पहले मैं फंड कलेक्शन कर रहा था मंदिर, अब बन गया मंदिर, तो अब मैं क्या सेवा करूं, फंड कलेक्शन बंद कर दूं और सेवा करूं, और बाकी भी जो फंड कलेक्शन कर रहे थे उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है? फंड कलेक्शन कभी बंद नहीं होगा. फंड कलेक्शन कभी बंद नहीं होगा क्योंकि चार चीजों की आवश्यकता रहेगी हमेशा हमेशा. लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन. सो क्योंकि अगर पैसा और
और इसके द्वारा आप लोगों को भगवान की सेवा में जोड़ रहे हो। हमारा उद्देश्य है पहले मैन रेजिंग, फ्रेंड रेजिंग, देन फंड रेजिंग। हम सिर्फ लोगों से पैसा नहीं लेना चाहते, उनको भगवान का मित्र भी बनाना चाहते हैं। मंदिर के कई कोनों में अभी स्थान काम बाकी है। हरे कृष्णा महाराज, थैंक यू सो मच महाराज। कुछ डोनर्स ऐसे भी हमने इनवाइट किए आज के लेक्चर में आपके, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया मंदिर के लिए, स्टिल वो बहुत सारी जगह पर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको हल्का सा डाउट ये रहता है कि इस्कॉन को तो हम दे रहे हैं लेकिन हम बाकी जगह पर दे रहे हैं, तो वहाँ से भी हमारा कनेक्शन है, यहाँ से भी हमारा कनेक्शन है, वहाँ से छोड़ते हैं तो क्या वहाँ से हम जाएंगे, यहाँ पे कनेक्शन होगा तो उधर केयर कौन करेगा? सब भक्तों की देखभाल करता है। इस्कॉन सभी भक्तों की देखभाल करता है। ये नहीं कि अगर कोई धन नहीं देता तो मुझसे बात नहीं करते। ये नहीं कि कोई धन नहीं देता तो हम उससे बात नहीं करते। हम सबको आदर देते हैं। हम सबको आदर देते हैं। हमें सबको आदर देना चाहिए। हमें सबको आदर देना। ये नहीं कि कोई धन नहीं देता तो हम उससे बात नहीं करते। हम सबको आदर देते हैं। हम सबको आदर देते हैं। हमें सबको आदर देना चाहिए। हमें सबको आदर देना। Helen Hansel was able to win any competition she took part in. She was known as the contest queen.